वेलकम बैक गाइस, आज हम बनाएंगे एलिप्स बैक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 16 सेंटीमीटर की एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं अपने 90 डिग्री वाले सेट स्क्वायर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा और मुझे ये लाइन की लेंथ चाहिए। ये मैंने कितनी रखी है, 16, तो इसका हाफ हो गया 8 और मैं ये रख दूँगा 8 सेंटीमीटर की, यानी कि 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर नीचे। मैंने रखा है यहाँ से 4 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से 8 सेंटीमीटर। इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दिया सी एंड डी। अब मैंने क्या करना है, अपना कंपास लिया और मैंने ओ से लेकर ए तक, यानी कि जो मेरे पास लंबी वाली जो लाइन थी उसकी मैं उसका मैंने जो है उसका हाफ किया और उसका डिस्टेंस लिया और मैंने एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल ए पॉइंट ए और बी के एजेस को क्रॉस कर रहा होगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब मैंने क्या करना है, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस लेना है और एक और सर्कल ड्रॉ कर। ये मेरे पास दो सर्कल्स हो गए, एक ये और एक ये। अब मुझे इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इस जो है एक पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा, बस 360, और मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 12 पार्ट्स में, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्रीज। तो यानी कि मैं इसको 30-30 के एंगल पे डिवाइड करूँगा। अब हमें 30 डिग्रीज पे पॉइंट्स प्लॉट करना है, तो हमने अपना डी लिया और इसको सेंटर पे रखा ऐसे, और मैंने 30 डिग्रीज पे जो है पॉइंट्स लगाने शुरू किए थे, 30 एंड 60। 90 पे तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर देन 120 एंड देन 150। ऊपर के पॉइंट्स मार्क हो गए, तो मैंने नीचे के पॉइंट्स मार्क करना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रखा, यहाँ पे मेरे पास आ गया 30, देन 60, देन 90, अगेन 60 और 120 एंड देन 150 और 30। अब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है अपने स्केल से। अब मैं इसका सेंटर पॉइंट रखूँगा और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगा, ये पॉइंट सेंटर से और ये बाकी तीनों पॉइंट्स मेरे पास यहाँ से ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट को मैंने एक साथ रखा, सेंटर से रेफरेंस लिया। इसी तरह हम जो है वो सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे। ये हमारा सर्कल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 इक्वल पार्ट्स में। अब हमने क्या करना है, जो भी स्मॉल वाले सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हमारे पास कोइंसाइड हो रहे हैं, ये हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। हल्की सी ड्रॉ कर दिएगा आप यहाँ से, और मेरे पास यहाँ से ड्रॉ हो रहा है। इसी तरह मेरे पास एक ये पॉइंट है, हमारे पास जो है ये सारी लाइंस बन गई एक्स एक्सिस पे। अब हमने क्या करना है, हमने क्या किया था, छोटे वाले सर्कल पे जो पॉइंट्स हमारे पास जो है वो कॉइंसाइड हो रहे थे, उन पे हमने एक्स एक्सिस लाइन बनाई थी। अब जो हमारे पास बड़े वाले सर्कल पे जो पॉइंट्स जो कॉइंसाइड हो रहे हैं, उनसे हम वाई एक्सिस पे लाइन बनाएंगे। स्केल लिया और मैंने अपने इस वाली लाइन को काट दी, ऐसे ये लाइन काट दी मैंने और यहाँ से मेरे पास ये वाला पॉइंट कट गया। इसी तरह मेरे पास ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट कॉइंसाइड हो रहा है और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी कॉइंसाइड हो रहा है, तो मैंने इसे जो मैंने एक्स एक्सिस पे लाइन बनाई थी वो वाली लाइन को मैंने काट दिया। इस तरह मैंने यहाँ पे भी ऐसे किया और इस लाइन को मैंने काट दिया, यानी कि एक पॉइंट मेरे पास ये बन गया। ये पॉइंट्स हम आखिरी में मार्क कर लेंगे। इसी तरह मेरे पास ये वाली लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इस लाइन को काट दिया, एक्स एक्स वाई लाइन को। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और ये एक्स एक्स वाई लाइन को काट दिया। सेम यहाँ पे मैंने ये काम करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को काट दिया, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर इस लाइन को काट दिया। अब हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। मेरे पास फर्स्ट लाइन की एक्स वाई लाइन और वाई वाई लाइन से ये वाला पॉइंट मेरे पास कॉइंसाइड हो रहा है, यानी कि इसको हम मार्क कर देते हैं P1। फिर मेरे पास ये वाला पॉइंट कॉइंसाइड हो रहा है P2। फिर मेरे पास ये P3 है,
आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास जो ए और बी है उस पर पॉइंट्स आएंगे P12 और P6, और जो सी ओ डी है आपके पास यहाँ पे P9 आएंगे। आपने यहाँ पे पॉइंट्स मार्क नहीं करने, ये बच्चे मिस्टेक अक्सर गलती से कर देते हैं। अपनी फ्लेक्सिबल कर्व उठाएंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। आपकी मर्जी, आप फ्लेक्सिबल कर्व से भी कर सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबल कर्व अवेलेबल ना हो, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए और ना हो तो फिर भी आपको ड्राइंग बन जाती है। अगर आपके पास ये फ्लेक्सिबल कर्व ना हो तो मैं आपको उसे ड्राइंग बनाना सिखा रहा हूँ। अगर फ्लेक्सिबल कर्व है तो आप सिंपली उसे पॉइंट्स ज्वाइन करें और ये वाले पॉइंट्स को एक साथ मिला दें। अगर आपके पास फ्लेक्सिबल कर्व नहीं है तो ये स्केल आपके पास जो है 90 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर होता है, आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स मेरे पास ऐसे हैं, तो मैंने इन 3 पॉइंट्स को रखा और ऐसे मार्किंग कर दी यहाँ पे। हमारे पास एक एलिप्स बन गया, अब हम उसे उड़ा कर देंगे और ये हमारा एलिप्स बाय कंसेंट्रिक सर्कल मेथड बन चुका है। आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने मार्कर से इसकी आउटलाइन नहीं करनी, क्योंकि ज़ाहिर है जो है यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, आपने जहाँ भी ड्राइंग बनानी है वहाँ पे मार्कर यूज़ नहीं करते, ड्राइंग में पेंसिल यूज़ करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको डार्क करने के लिए बताइए, आपसे किसी भी डार्क पेंसिल से या नॉर्मल पेंसिल से इन पॉइंट्स को डार्क कर दिएगा। ये हमारा एलिप्स बन गया बाय कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। अगली वीडियोज़ में हम और भी एलिप्स बनाते रहेंगे अलग अलग मेथड से,